हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकला प्लाजा। मैं हूं अंतरा और आज मैं बनाने जा रही हूं अंडे की एक रेसिपी, अंडा भुना मसाला। जिन जिन लोगों को अंडे बहुत ही पसंद आती है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है अंडा भुना मसाला। तो अंडा भुना मसाला बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसको देख लेते हैं। अंडा भुना मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 6 उबले हुए अंडे, रिफाइंड तेल, 5 से 7 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 टेबल चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम दूध, 1 टेबल चम्मच शक्कर, 1 टेबल चम्मच नमक, आधा टेबल चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपर। सबसे पहले अंडे को मैरिनेट करेंगे। मसाला अंडे के अंदर अच्छी तरह से आ जाए इसलिए मैं फोक के सहारे अंडे के अंदर थोड़ा सा कट कर रही हूँ। अब मैं अंडे में 1 कटोरी दूध डाल दूंगी। अब इसमें मैं 1 टेबल चम्मच नमक, आधा टेबल चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा टेबल चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपर डाल के मसाले के साथ अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे को मैं 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से अंडे के अंदर कोट हो जाए। 30 मिनट के बाद कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। अब इसमें मैं 2 बड़े टेबल चम्मच तेल डाल दूंगी और तेल को गर्म कर लूंगी। अब इसमें मैं सूखे हुए लाल मिर्च को डाल दूंगी और होल गरम मसाला को डाल दूंगी। एक मिनट भूनने के बाद इसमें मैं बारीक कटे हुए प्याज को डाल दूंगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। प्याज का कलर अच्छी तरह से आए और प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए इसलिए मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दी हूँ। मैंने मैरिनेशन में नमक डाला है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और मसाले को थोड़ा सा भून लूंगी। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने से प्याज का कलर बहुत ही अच्छी तरह से आएगी। 1 से 2 मिनट तक मसाले को भून लूंगी। अब इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ दूध को डाल दूं। मैंने अंडे को बाहर निकाल के रखी है, अंडे को बाद में डालें। 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में बहुत अच्छी तरह से पकाना है। अगर पानी चाहिए होगी तो पानी डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गई है, मसाले के चारों तरफ से तेल भी बाहर आ गई है। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। ढक्कन डाल के मसाले को और 5 मिनट तक भूनना है। मैंने अंडे को बीच में से कट करके 2 पीस कर लिया है। अब अंडे को इसमें एक के बाद एक डाल देंगे। अब मसाले को फिर से मीडियम फ्लेम में 5 से 10 मिनट तक पकाना है और इसका ढक्कन खोल के बारी बारी करके चेक करना है ताकि मसाला जल ना जाए। मसाला थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ऑयल स्प्रेड हो रही है। मसाला एकदम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। अंडा भुना मसाला बनाने में 1/2 घंटा मैरिनेट करने के लिए और 1/2 घंटा मसाला तैयार करने में पूरा 1 घंटा टाइम लगी है। तो आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर बहुत ही अच्छी तरह से आई है। अगर आप लोगों चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के अब लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, अंडा भुना मसाला तैयार है। आप लोग इसको प्लेन चावल, जीरा राइस या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी नए रेसिपी की वीडियो को देखने के लिए आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू।